वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर मोर रेसिपीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं द स्मार्ट कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटके वाली मलाईदार कुल्फ़ी, जो बहुत ही यम्मी होती है और जो आपने बहुत बार मार्केट में खाई होगी, बचपन में भी खाई होगी और अभी भी खाई होगी, और इसको घर पे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं मटके वाली मलाईदार कुल्फ़ी, चलिए शुरू करते हैं। तो मटके वाली कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध ले लिया है और 100 ग्राम मावा लिया है यानी कि खोया, और 100 ग्राम शक्कर ली है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है, कार्डमम पाउडर, और 1/3 कप हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कटे हुए, थोड़ी सी बादाम है, थोड़े से पिस्ता और थोड़ी सी चिरौंजी। तो जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स वो आप इसमें डाल सकते हैं। और 1 पिंच नमक लिया है, थोड़ा सा नमक 1 पिंच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया है और हमने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है, तो इसको उबलने देंगे। तो दूध को हम चलाते हुए 8-10 मिनट तक उबालेंगे और ध्यान रहे कि दूध नीचे तली में ना चिपके, और इसको इधर साइड से भी हम छुड़ाते हुए चलाते जाएंगे। तो दूध उबल रहा है तब तक हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल लेते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा ठंडा दूध मिला लिया है और इसको घोल लेंगे। ठंडे दूध में ही हमें घोलना है और अच्छे से घोलना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो ध्यान रहे कि ठंडे दूध में ही हमें इसे घोलना है, गर्म दूध में नहीं घोलना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसको रख देंगे साइड में। 10 मिनट हो चुके हैं, दूध भी काफ़ी थिक हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे खोया। और खोया डाल के इसको उबलने देंगे। खोया को अच्छे से इसमें घोल लेंगे। तो ध्यान रहे कि खोया पूरी तरह से घुल जाना चाहिए दूध में, और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। इसको चलाते हुए पकाएंगे। तो खोया डाल के हमें इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है, चलाते हुए, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। तो 5 मिनट हमने इसको पका लिया है और दूध काफ़ी थिक हो गया है। इसमें हम डाल देंगे शक्कर, और शक्कर घुलने तक इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। तो शक्कर डाल के इसको 5 मिनट और पका लिया है हमने। अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, घुला हुआ कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और चलाते हुए इसको लगातार पकाएंगे। तो कॉर्नफ्लावर डाल के 2 मिनट और चलाते हुए, हमें लगातार चलाते हुए इसको 2 मिनट और पकाना है। और इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, तो कुछ हमने बचा लिए हैं, और गार्निशिंग। तो मिक्सचर हमारा काफ़ी थिक हो गया है, ये देखिए। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इलायची पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। तो मेरे पास हैं यहाँ पर छोटे छोटे से मटके, बहुत ही क्यूट से मटके हैं मेरे पास।
तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी कंटेनर में या फिर किसी भी मोल्ड में आप इसको जमा सकते हैं, आइसक्रीम को, मतलब कुल्फी को। तो इसमें हम डालेंगे तो आपको मार्केट में ये आसानी से मिल जाएंगे, छोटे छोटे से मटके। सभी मटके को हमने भर लिया है और अब हम इसमें ऊपर से काजू, नहीं, पिस्ता और बादाम और चिरौंजी छिड़क देंगे। इस तरह से इसको गार्निश कर देंगे। सभी में काजू बादाम से मैंने गार्निश कर दिया है। अब मैं इसमें लूँगी एक एल्युमिनियम फॉइल और इस तरह से इसको कवर कर दूँगी। और आप चाहें तो इसमें एक रबर बैंड भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको एक ढक्कन से ढक दूँगी। तो इस तरह से हम सभी पैक कर लेंगे। तो इन्हें हम रख देंगे 8-10 घंटे के लिए फ्रीजर में। लगभग 8-10 घंटे में ये जम जाएगी, हमारी जो कुल्फ़ी है बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी। ओवरनाइट हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। तो मिलते हैं 8-10 घंटे के बाद। तो 8-10 घंटे हो चुके हैं और आइसक्रीम भी हमारी, कुल्फ़ी भी हमारी जम चुकी है। तो चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए, कुल्फ़ी भी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है और देखने में बहुत ही यम्मी लग रही है और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आपको दिखाते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से जमी है आइसक्रीम ये, और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इस यम्मी रेसिपी को ट्राई कीजिए, घर पर बनाइए यम्मी आइसक्रीम, यम्मी कुल्फ़ी, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। बताइए कि आपकी कुल्फ़ी कैसी जमी है और कैसी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।